हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा है, 2019 का मॉडल है, डीजल कार है। इसका आप एक फॉल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑटो का लाइट ब्लिंक कर रहा है, देख पा रहे हैं ऑटो का लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो किस वजह से ब्लिंक हो रहा है कंट्रोल पैनल में आपको शो करता होगा किस वजह से ब्लिंक कर रहा है। तो इसका दो मोटर ना गया हुआ है इस वजह से। तो मैं सबसे पहले स्कैन किया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको स्कैन किया हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं एयर कंडीशन में इतना सारा फॉल्ट आ रहा है। सनलोड सेंसर एंड इट्स सर्किट माल फंक्शन, B1 टेम्परेचर कंट्रोल एक्चुएटर पोजीशन सेंसर और टेम्परेचर कंट्रोल एक्चुएटर मोटर, B1 इंटेक कंट्रोल एक्चुएटर और B1531 एयर इंटेक कंट्रोल एक्चुएटर सर्किट, यानी दो मोटर में इसका फॉल्ट है। इस वजह से ऐसा फॉल्ट यहाँ ऑटो लाइट ब्लिंक हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑटो का लाइट ब्लिंक हो रहा है, देख पा रहे हैं। तो वो सेंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोटर दिखा देता हूँ कौन सा है। तो सबसे पहले जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली मोटर जो कि वहां बैठता है, और उसके बाद एक दूसरा यहाँ मोटर जो कि यहाँ बैठता है। तो ये दोनों मोटर मैं रिप्लेस करता हूँ, मोटर नया मंगवाया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली मोटर 820 रुपए का है प्राइस इसका, और ये वाली मोटर 880 रुपए का है। खोल के भी दिखा देता हूं, और एक ये रही। तो दोनों मैं रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ चलता है क्या नहीं। यहाँ से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, कोई भी मोटर नहीं चल रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर वाला मोटर भी नहीं घूम रहा है, ये वाला भी आउटसाइड एयर का भी मोटर नहीं घूम रहा है। इस वजह से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं रिप्लेस कर देता हूँ दोनों मोटर उस साइड से जा करके, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली मोटर है इस साइड का आउटसाइड एयर का, तो मैं इसको लगा देता हूँ पहले इसको निकाल के। ये मोटर घूम ही नहीं रहा है, यानी चल ही नहीं रहे, तो इसको लगा देता हूँ फिर आगे वो वाला लगा के दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली आउटसाइड एयर का फिट हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ से ऑन करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं चल रहा है आउटसाइड एयर का, ये प्रॉपर चल रहा है। ताकि आप भी देख पा रहे हैं, अब मैं हीटर वाला दिखा देता हूँ क्योंकि वो भी मैं रिप्लेस कर दिया मोटर। जैसा कि देख रहे हैं मोटर दिख रही है यहाँ से, अब मैं यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटर एडजस्ट हो रहा है, देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं उसको ड्राइवर साइड की तरफ से आपको दिखा देता हूँ कि लाइट गई क्या नहीं गई। तो चलो फिर ड्राइवर साइड की तरफ लेके जाता हूँ आपको। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं डिस्प्ले में ऑटो का लाइट जो ब्लिंक कर रहा था वो चली गई अपना। अब ये आउटसाइड का भी चल रहा है, ब्लिंक होना बंद हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये ब्लोअर सब प्रॉपर चल रहा था, बस वही ये दो मोटर खराब होने की वजह से सब लाइट भी आ रहा था और यहाँ ऑटो का लाइट आ रहा था। आप अगर ये ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, या ज़्यादातर ये गाड़ी में क्रेटा ब्रेजा में ये मोटर का फॉल्ट आता है, ये रिपेयर भी हो जाता है, लेकिन बट इतना कस्टमर का कहना था कि नया डलवा दो, रिपेयर वपेयर करने की ज़रूरत नहीं। 820 रुपये की है, देख लीजिए, आपको भी कभी ज़रूरत पड़े तो मंगवा लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम आता ही है। और दूसरा भी दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरा वाला, दूसरे का प्राइस है 880 रुपये। तो ज़्यादातर ये गाड़ी में फॉल्ट आता ही है ये वाला मोटर का, तो आप मंगवा सकते हैं। तो आप अगर ये गाड़ी के बारे में और भी डैशबोर्ड वगैरह कैसे खोला जाता है ये सब डिटेल्स अगर आपको चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैं अगर इस ये गाड़ी का डैशबोर्ड खोल चुका हूँ तो वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी वीडियो देख रहे हैं मेरा आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के गाड़ी का मॉडल दिया हुआ रहेगा, वहाँ जाकर के आप चूज कर सकते हैं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।